चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया। तो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी है, फिनॉल का जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से, उन सारे रिएक्शन को फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला शुरू कर रहे हैं फिनॉल का रिएक्शन डायलूट HNO3 के साथ। किसके साथ? डायलूट HNO3 के साथ फिनॉल का रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिनॉल का रिएक्शन डायलूट HNO3 के साथ, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और पारा नाइट्रो फिनॉल का निर्माण होगा। इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और वह कहलाएगा पारा नाइट्रो फिनॉल। तो यह क्या बन गया आपको? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, यह बन गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। और उसके बगल वाला जो कंपाउंड है वह क्या बन जाएगा? पारा नाइट्रो फिनॉल, यह बन जाएगा पारा नाइट्रो फिनॉल, पारा नाइट्रो फिनॉल। तो एक ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बन गया और दूसरा बन गया पारा नाइट्रो फिनॉल। तो पारा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप है, इसीलिए उसका नाम पड़ा पारा नाइट्रो फिनॉल। तो सवाल यह है कि अब बन कैसे गया, तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से पता चलेगा यह कैसे बना है। तो दो प्रोडक्ट बना, इसीलिए मैकेनिज्म भी दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप में जो है कि HNO3 को हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, HO और NO2, HNO3 टूटता है तो यही बनाता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ ऑर्थो से H और यह OH जल बन के बाहर निकल जाता है और NO2 ग्रुप आके ऑर्थो पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, यह आपको बन गया फिनॉल, फिनॉल में NO2 आकर जुट गया और यहाँ से OH और H जो है कि जल बन के बाहर निकल गया। OH और H जल बन के क्या हो गया? बाहर निकल गया। दूसरा स्थिति में क्या होता है? तो दूसरा स्थिति में यहाँ वह पारा का H और OH जल बन के बाहर निकल जाता है और NO2 वहाँ पर जा कर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप जो कि H और OH बाहर निकल गया और यहाँ आपको फिनॉल जो है, इस फिनॉल में पारा पोजिशन पर NO2 आके जुट गया और HO और H जल बन के क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो यह जो आपको कंपाउंड बना ऑर्थो और पारा, तो इसी तरीका से यह कंपाउंड बनता है क्योंकि HNO3 HO और NO2 में टूटता है। तो यह एक बार पारा पर रिएक्शन करता है, एक बार ऑर्थो पर रिएक्शन करता है। तो यह जो पारा कंपाउंड है यह मोर स्टेबल होता है क्योंकि यह दोनों ग्रुप एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इसीलिए रिपल्सन इसमें कम होता है। तो यह हो जाएगा आपको मोर स्टेबल और यह हो जाएगा लेस स्टेबल। तो यह जो है कि फिनॉल का डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा है तो यही कंपाउंड बनता है। अब आते हैं दूसरा फिनॉल का रिएक्शन पढ़ने, कॉन्क HNO3 के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे अब दूसरा रिएक्शन फिनॉल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कॉन्क HNO3। तो कॉन्क HNO3 यानी कि कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ फिनॉल का अभिक्रिया। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जो फिनॉल है वह रिएक्शन करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण करता है। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जब फिनॉल का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण होता है। अब कैसे बनता है तो आइए इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको OH लिख दिया गया और यह बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जो है कि तीन जगह H दिखाया जा रहा है क्योंकि यही तीनों जगह जो है कि आपको NO2 को जुड़ना है। तो तीन जगह H दिखा दिया गया, सभी जगह H होता है लेकिन तीन जगह रिएक्शन करना है, इसीलिए यही तीनों को दिखाया गया। यहाँ पर जो HNO3 या 3 मोल HO और NO2 में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? 3 मोल HO और NO2 में टूट जाएगा। इसमें चाहे तो आप रिएजेंट के रूप में H2SO4 रिएजेंट के रूप में दे सकते हैं, या रिएजेंट के रूप में H2SO4 दे दिए, डायलूट में भी रिएजेंट के रूप में H2SO4 हम लोग दे सकते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक OH और H यहाँ से, फिर दूसरा OH और H यहाँ से और तीसरा OH और H यहाँ से। तो तीनों जगह से H और OH बाहर निकलता है और उन जगह पर 3 NO2 जा करके जुड़ जाता है। तो क्या होता क्या कि आपको यहाँ से फिनॉल बन जाएगा और फिनॉल के बाद जो है कि यहाँ पर एक
एच और ओएच बाहर निकलेगा और एनओ टू आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एनओ टू निकल गया। फिर यहाँ से एच और ओएच बाहर निकलेगा दूसरा मॉलिक्यूल और एक एक एनओ टू यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन में क्या होगा, तो तीसरा कंडीशन में यहाँ से एच और यहाँ से ओएच बाहर निकलेगा और यहाँ पर एनओ टू जा कर के जुड़ जाएगा। तो यह जो है कि आपको तीनों जगह एनओ टू जा कर के जुड़ गया और 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल एच और ओएच और एच 3 मोल क्या हो जाएंगे, 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यह जो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री है उसके साथ जो है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है और डाइल्यूट एच एन ओ थ्री लेते हैं तो उसमें जो डाइल्यूट का मतलब होता है तनु एच सी एल लेते हैं, तो उसके साथ तनु एच एन ओ थ्री लेते हैं तो उसके साथ जो है कि ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यह फिनॉल का रिएक्शन जो है कि नाइट्रिक एसिड के साथ कराने पर यह जो कुछ प्रोडक्ट है जिसको आपको बताया गया, और फिनॉल का अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के साथ फिनॉल का रिएक्शन, तो आइए इसको देखते हैं। ब्रोमीन के साथ जो कि फिनॉल किस तरह का कंपाउंड का निर्माण करता है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक फिनॉल लेते हैं, यहाँ पर फिनॉल लिया और इस फिनॉल का रिएक्शन जो है हम लोग किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, CH2 के उपस्थिति में। तो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं CH2 के उपस्थिति में तो क्या कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पर OH बेंजीन रिंग और यहाँ पर Br जुड़ जाता है और एक और कंपाउंड बनता है आपको फिनॉल, और यहाँ पर जो कि फिनॉल में यहाँ पर Br जुड़ जाता है, तो ऑर्थो और पारा ब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है। तो यह बन गया आपको ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और यह कंपाउंड बन गया पारा ब्रोमो फिनॉल, पारा ब्रोमो फिनॉल, पारा ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरह से दो तरह के कंपाउंड का निर्माण हुआ, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और पारा ब्रोमो फिनॉल। तो यह दोनों कैसे बनता है, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको यह जो आपको फिनॉल है या फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं दो स्टेप में, पाल दो तरह का प्रोडक्ट बना हुआ है, एक ऑर्थो और दूसरा पारा, इसीलिए दो स्टेप में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से एक एच लिखते हैं और यहाँ बी आर को हम लोग Br2 को ऐसे लिख देते हैं CH2 यहाँ पर। तो सभी एच को नहीं दिखाया जा रहा है, एच हर कार्बन एटम के पास होता है लेकिन यहाँ पर ऑर्थो वाला एच से अभिक्रिया कराना है इसीलिए ऑर्थो वाले एच को दिखाया गया है। तो होता क्या है कि यहाँ से एच और यहाँ से Br, एच बी आर क्या होता है कि बाहर निकल जाता है और एक ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल के साथ यहाँ पर जो है कि एक ब्रोमीन आके जुड़ गया और एक एच बी आर क्या हो गया बाहर निकल गया। तो यह बन गया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। फिर दूसरा स्टेप का मैकेनिज्म देखते हैं, यह स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट, फिर आते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में जो है कि हम लोग देखते हैं फिनॉल का अभिक्रिया कराते हैं Br2 से, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर OH और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग और इसमें इसका रिएक्शन कराते हैं Br और Br से, यानी कि Br2 से किसके उपस्थिति में, तो CH2 के उपस्थिति में। तो यहाँ से H और यहाँ से Br, एच बी आर जो है कि बाहर निकल जाता है, H और Br बाहर निकल जाएगा और एक ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा OH और यहाँ पर बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर Br जुट गया और एच बी आर क्या हो गया बाहर निकल गया। तो एक ऑर्थो एक पारा ब्रोमो कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो यह जो है कि ब्रोमीन का रिएक्शन हम लोग CH2 के उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और पारा ब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बनाया गया, गया फिनॉल से रिएक्शन कराया गया। अब आते हैं हम लोग जो है कि दूसरा रिएक्शन पढ़ने, जी ब्रोमीन कम था, जब ब्रोमीन का संख्या अधिक हो जाए यानी 3 मोल ब्रोमीन हो जाएगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब फिनॉल का अभिक्रिया जो हम लोग 3 मोल ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक एच होता है, फिर एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर, और ब्रोमीन कितना है, छः वो ब्रोमीन है, तीन दोनों कितना हुआ, छः हुआ, तो छः ब्रोमीन है। तो होता क्या है, यहाँ से एक एच एक बी आर बाहर निकलता है, फिर एक एच यहाँ से और एक बी आर यहाँ से बाहर निकलता है, फिर एक एच यहाँ से और एक बी आर यहाँ से बाहर निकलता है। तो तीन मॉलिक्यूल एच बी आर बाहर निकलता है, तो क्या बाहर निकलेगा, तो तीन मॉलिक्यूल एच बी आर बाहर निकलेगा। और यह जो फिनॉल बना, यहाँ पर फिनॉल, यहाँ पर जो फिनॉल बना हुआ है, इस फिनॉल में आपको यह एक एच और बी आर यहाँ से बाहर निकला है, दूसरा ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाता है इस तरह से, फिर एक एच बी आर यहाँ से बाहर निकला और दूसरा ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यह कंपाउंड बना लेगा। फिर एक एच और बी आर यहाँ से बाहर निकला है, तो यहाँ जो जगह खाली हुआ है, एक ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यह कंपाउंड बनता है। आपको जब तीन मोल ब्रोमीन के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, तो ऑर्थो और पारा सभी पर ब्रोमीन जाकर जुड़ जाता है और फिनॉल का निर्माण करता है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, तो इसका काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है। तो फिनॉल का रिएक्शन जब ब्रोमीन से कराते हैं, तो दो तरीका से अभिक्रिया होता है, यदि ब्रोमीन कम हो तो ऑर्थो और पारा कंपाउंड बनेगा, और यदि ब्रोमीन 6 मॉलिक्यूल हो, 3 मॉलिक्यूल हो, बी आर टू या 6 एटम हो ब्रोमीन का, तो ऑर्थो पारा सभी एक ही पर सभी ब्रोमीन जाकर जुड़ जाते हैं और 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का निर्माण करते हैं। तो यह जो फिनॉल का अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़े किसके साथ, HNO3 के साथ, और HNO3 के साथ दो तरह का अभिक्रिया होता है, कौन कौन, एक डायलूट HNO3 के साथ और दूसरा कॉन्क HNO3 के साथ। फिर जो है कि फिनॉल का अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ पढ़े, तो यह भी दो तरीका का होता है, एक ब्रोमीन में जो कि जब कम मात्रा में ब्रोमीन रहता है तो ऑर्थो और पारा कंपाउंड बनता है, जब अधिक मात्रा में होता है तो एक ही फिनॉल पर सभी ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो यह जो कि फिनॉल का रिएक्शन हम लोग पढ़े HNO3 और ब्रोमीन के साथ। फिर अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या होगा, तो अगला रिएक्शन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक इसको पढ़िए, जो दिक्कत हो फिर हमसे आप कॉल करके पूछ लेंगे।